हेलो गाइस, वेलकम टू माय फूडी एंड फैशन चैनल। चलिए आज हम बनाते हैं इडली और सांभर। मैंने पहले सांभर बनाना शुरू किया। सांभर बनाने के लिए मैंने ये सारी सब्जियां ली हैं और इमली को पहले से भिंगो के रखा। इसके लिए सबसे पहले मैं इसकी सब्जी को फ्राई करूंगी। दाल को मैंने पहले से बना लिया है। थोड़े से ऑयल में पहले मिर्ची डालेंगे। मिर्ची जल जाने के बाद हम प्याज डालेंगे। ये देखिए, मेरा दाल पहले से आधा पका हुआ है। आधा सब्जी को भूनकर मैं दाल में मिक्स करूंगी। सब्जी को पूरा नहीं पकाएंगे, हम हाफ फ्राई करेंगे। पहले हम सारे सब्जियों को एक एक करके डालेंगे। हल्का हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च और 2 चम्मच सांभर मसाला मैंने डाला। उन सबको मैं भूनूंगी थोड़ा सा। सब्जी जब आधा पक जाए, आप देख सकते हैं हमारा पूरा हाफ फ्राई नज़र आ रहा है और मसाला भी भून चुका है, तो हम इसे दाल में डालकर एक विशल आने तक से हम पकाएंगे। इमली का पानी ऐड करेंगे। अब देख सकते हैं हमारा ये दाल बनकर तैयार है। मैं इसका छौंका लगाने जा रही हूँ सांभर के लिए। सांभर का छौंका के लिए मैंने राई डाला, 4 या 5 खड़े लाल मिर्च, थोड़े से करी पत्ता। इन सबको भून कर दाल में डाल दें, आई मीन सांभर में। देख सकते हैं हमारा सांभर बनकर तैयार है। अब मैं इडली का तैयारी करने जा रही हूँ। इसके लिए पहले हम इसका रावा इडली मैं बना रही हूँ, इसलिए मैंने रावा को पतले वाले रावा को यूज़ किया है। इससे अच्छा इडली तैयार होगा। इनो को डाल के एक ही डायरेक्शन में इसे हम मिक्स करेंगे। साल्ट स्वाद के अनुसार डालें। इसे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मिक्स करें। इसे उल्टा या सीधा दोनों तरफ से ना मिलाए, नहीं तो ये फिर फूलेगा नहीं। इसका ध्यान जरूर रखें आप। सब में तेल को लगा लें स्टैंड में, ताकि इसे इडली चिपकेगा नहीं। जब हम बनाने जाएंगे इडली, उससे पहले भी थोड़ा मीनो डालकर इसे मिक्स करेंगे। जब पानी उबलने लगे, फिर हम इसमें इडली स्टैंड को डाल के मीडियम फ्लेम पे एटलीस्ट 15 या 20 मिनट के लिए हम इसे रखेंगे। और बीच में आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं कि ये तैयार हुआ या नहीं। देखिए, मेरा ये इडली बनकर तैयार है। ये मैं तब निकाल कर ठंडा होने तक छोड़ूंगी, फिर इसे मैं चक्कू के मदद से अच्छे से निकालूंगी। आराम से निकालें ताकि ये टूट ना जाए, जो सर्व करने में अच्छा नहीं लगता ऐसे। देख सकते हैं हमारा इडली कितना सॉफ्ट और अच्छा बनकर तैयार है। अब हम इसे सर्व करेंगे सांभर और बादाम की चटनी से, जो मैंने पहले बना लिया है। आप भी बनाकर ज़रूर ट्राई करें और बताएं कैसा बनाया।